हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान रुचि में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हमारी बिटिया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अचानक ख़राब हुई थी तबीयत, बिल्कुल भी वो बीमार नहीं थी, बिल्कुल हष्ट पुष्ट थी। और एकदम से बुखार आया और उसको पेट दर्द की समस्या हो गई और हम लोग डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने बेटी को एडमिट कर लिया और हम लोग 15 दिनों तक हॉस्पिटल में रहे बेटी के साथ। अब बेटी को घर भी हम ले आए हैं, बेटी पहले से ठीक है, लेकिन लेटे लेटे बेटी के सारे बाल खराब हो गए थे। बहुत सारे बाल उलझ गए थे, लंबे लंबे बाल थे, बड़े बड़े काले, और वो सारे बाल लेटे लेटे खराब हो गए थे। और देखिए हमने कितने ढेर सारे बाल काटे हैं बेटी के, सचमुच बहुत दुख हुआ हमको। ये देखिए सारे बाल खराब हो गए, ये जूड़ा इस तरह से, इतनी बुरी तरह से ये खराब हुए हैं बाल कि हम बता नहीं सकते आपको। 2 दिन हम इसको खोलते रहे, सुलझाते रहे, लेकिन ये बाल नहीं सुलझे। ये देखिए किस तरह से उलझ गए थे। और जो है बेटी बहुत ज़्यादा परेशान थी, वो नहीं चाहती थी कि उसके बाल कटें, लेकिन मजबूरी में बाल हमें काटने पड़े। तो बिल्कुल भी मुझे भी अच्छा नहीं लगा बाल काटकर, क्योंकि ये बाल हैं जो बेटी को बहुत ज़्यादा प्यारे थे। बिटिया हमारी बहुत दुखी हुई बालों से, अपनी तबीयत को लेकर तो वो इतना दुखी नहीं हुई, लेकिन अपने बालों से वो बहुत दुखी हुई जो उसकी उसके बाल काटने पड़े। और अब हम उसके पूरे बाल सेट करवा देंगे, बराबर करवा देंगे। थोड़ा थोड़ा सा अब बिटिया की तबीयत में सुधार आ रहा है, थोड़ा वो खाने पीने भी लगी हैं। अभी खाना खाने का उनका बिल्कुल भी मन नहीं करता है, फ्रूट खाने का मन होता है तो वो फ्रूट खाती रहती हैं बीच बीच में, और दलिया थोड़ा बहुत खा लेती हैं। अभी उनका ज़्यादा अंदर से मन अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी फीवर आ जाता है, 16-17 घंटे पर फीवर भी आ जाता है। फीवर की वजह से थोड़ा परेशानी हो रही है कि इतना टाइम हो गया है, फीवर अभी तक नहीं जा रहा है। तो डॉक्टरों का कहना है कि शायद अभी बिटिया के पेट में थोड़ा सा इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से बुखार आ रहा लगातार। तो डॉक्टरों का कहना है कि जब ये खिलाई पिलाई करेंगी, कमजोरी की वजह से भी फीवर आता है, ऐसा भी बताया है डॉक्टरों ने। बहुत सारी दवाइयाँ भी दी हैं जो कि चल रही हैं, और अभी दवाइयाँ चलेंगी भी, धीरे धीरे करके बुखार भी चला जाएगा। डॉक्टरों ने ऐसा हमसे कहा है कि धीरे धीरे बुखार चला जाएगा। तो अब काफ़ी अच्छा लग रहा है, घर में थोड़ा सा बच्चे अब खुश रहने लगे हैं, बिटिया भी खुश रहने लगी है, तो अच्छा लग रहा है। लेकिन ये हमारे 15-20 दिन बहुत ही ज़्यादा दुखदाई रहे हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। सोचिए 15 दिन हॉस्पिटल में रहना, हॉस्पिटल में सोना, हॉस्पिटल में खाना, कैसे हमने ये 15-20 दिन गुजारे हैं कि हम आप लोगों से बता नहीं सकते। भगवान से यही प्रार्थना है कि इस तरह का किसी के ऊपर कोई भी मुसीबत एकदम से ना आए, कोई दुख परेशानी किसी पे ना आए, क्योंकि दुख मुसीबत जब आता है तो इंसान का क्या हाल होता है वो हमसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि हमने इधर इस महीने में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेली हैं। इस महीने में क्या, हमने इस साल बहुत सारे कष्ट उठाए हैं। तो हमारी यही ऊपर वाले से प्रार्थना है कि इस तरह से किसी के ऊपर कोई मुसीबत ना आए। बेटी हमारी 15 साल की है, उसको घूमने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन वो इधर एक महीने से धीरे धीरे 20 दिन तो हो ही चुका है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। लेटे लेटे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है। हमारे घर के घर से थोड़ी ही दूरी पर भारत महोत्सव भी लगा हुआ है, जो कि बहुत सारे हमारे पड़ोस के बच्चे हैं जो बराबर जा रहे हैं, घूम के आ रहे हैं, लेकिन हमारी बिटिया नहीं जा पा रही है। उसको देखकर हमको बहुत दुख होता है कि अगर वो ठीक होती तो अब तक 4 चक्कर लगाती वो महोत्सव के, बार बार घूमने जाती, लेकिन स्वास्थ्य सही नहीं होने की वजह से वो नहीं जा पा रही है। उसकी वजह से हमारी छोटी बेटी भी नहीं जा रही है, बोलती है कि दीदी नहीं जाएंगी तो हम भी नहीं जाएंगे। और हम लोग तो बिल्कुल भी जाने के मूड से ही नहीं है, क्योंकि बच्चे जब बीमार होते हैं, बच्चों का मन अच्छा नहीं होता है तो माँ बाप का भी मन अच्छा नहीं होता है। सबसे ज़्यादा माँ बाप को लगता है कि वो सबसे ज़्यादा बीमार हो गए हैं। बच्चे अगर स्वस्थ होते हैं तो माता पिता को भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं माँ बाप। लेकिन अब क्या बताया जाए, बिटिया कि तबीयत खराब होने की वजह से पूरे घर का माहौल बदल गया है एकदम, सब लोग बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, बस यही सोचते रहते हैं कि बिटिया हमारी कितनी जल्दी स्वस्थ हो जाए और पहले की तरह स्कूल जाने लगे, पढ़ाई भी करने लगे। इधर एक महीना पढ़ाई का भी लॉस हुआ है, 9th क्लास था, एग्ज़ाम भी हो गए हैं, टेस्ट सब हो गए हैं, लेकिन बिटिया ने हमारी
एग्जाम नहीं दिए हैं, वो बहुत परेशान है अपनी पढ़ाई को लेकर, लेकिन हम कहते हैं कि जब स्वास्थ्य सही होगा तो पढ़ाई भी होगी, पढ़ाई की चिंता बिल्कुल भी मत करो, लेकिन उसको चिंता रहती है कि पढ़ाई कैसे होगी हमारी, हमारा बहुत सारा वर्क छूट गया है, हम कैसे तैयारी करेंगे पढ़ाई की। बहुत सारी समस्याएं हैं, फ्रेंड्स के फोन भी आते हैं, वो लोग बताया करती हैं बिटिया को कि मैम ने आज ये काम करवाया, आज वो काम करवाया, वो बेड पर लेटे लेटे सब सुनती रहती है और कहती है मम्मी मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं और फिर अपना पूरा स्कूल का वर्क करूं, लेकिन हम उससे कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, चिंता मत करो, तुम्हारा काम सब हो जाएगा अच्छे से। उम्मीद है कि एक हफ्ते के अंदर अब हमारी बिटिया बिल्कुल ठीक हो जाएगी और अच्छे से खाना भी खाने लगेगी, और हो सकता है कि 15-20 दिनों के बाद वो स्कूल भी जाने लगे। फ्रेंड्स, तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक भी करिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।